हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल GSM व्लॉग्स। और फाइनली हमारा रात का डिनर आ गया है, वो है मोमोज़। और ये है लाइव म्यूज़िक के साथ हम इंजॉय कर रहे थे, और इसी के साथ यहाँ पे ये बी लगी हुई थी अपने पूछ चाटने में। और इसके साथ हम निकल पड़े सुबह सुबह सीधा दोबारा एक राइड की ओर। और यहाँ का मौसम, यहाँ का वेदर और धूप इतनी अच्छी लग रही थी, ठंडी हवा भी आ रही थी, तो हमें तो धूप का मालूम ही नहीं हो रहा था कि धूप लग भी रही है हमें। इसके बाद हम यहाँ से सीधा निकल पड़े एक इतनी सुंदर रोड, मतलब हमारा यहाँ से डेली का अप डाउन रहता था। और यहाँ पे प्रियंका भी कह रही थी मेरे को स्कूटी दे दो, मैं चलाऊँगी। मैंने कहा नहीं, पहले लाइसेंस बना इसके बाद चला। लेकिन जो इन्जॉय किया हमने यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते। इतना अच्छा वेदर, बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, फिर इसके बाद बारिश जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, तो काफ़ी अच्छा और ग्रीनरी और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम इसी के साथ हम जा रहे थे एक वाटरफॉल, जो वाटरफॉल वहाँ, बाकी यहाँ पे सारे वाटरफॉल बंद थे, तो एक वाटरफॉल हमने भैया से पूछा, भैया कहते कि वाटरफॉल है तो वहाँ पे आप जा सकते हो, तो हम उसी की तरफ हम निकल पड़े। और इतनी हरियाली, मतलब पूछो नहीं, और भीड़ भी नहीं, कुछ नहीं, तो इसलिए मेरे को साउथ गोवा बहुत अच्छा लगता है। सो जो लोग साउथ गोवा नहीं आए हैं वो प्रेफर करें कि साउथ गोवा का एक टूर तो बना ही लें, क्योंकि हमेशा की तरह नॉर्थ गोवा और क्राउडेड जगह हमेशा अच्छी नहीं लगती, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो हम इसी के साथ हम पहुंच चुके थे वाटरफॉल, लेकिन यहाँ पे हमने देखा तो भीड़ भी आ रखी थी काफ़ी, क्योंकि एक ही वाटरफॉल था तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी। बट हमने यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस और रील्स वगैरह बनाई अपनी, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने मेरे को फॉलो नहीं किया फॉलो भी कर सकते हैं, GSM व्लॉग्स 21 करके मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पर। तो इसी के साथ हम नीचे जा रहे थे, थोड़ा नीचे बस थोड़ा सा ट्रैकिंग है, ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है। तो यहाँ पे लोगों ने अपनी चप्पल वप्पल उतार रखी है, वहाँ पे सारे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये देख के थोड़ा मन भी ख़राब हुआ कि मतलब इतने लोग पहले ही आ रखे हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा प्रियंका रहने देते निकलते हैं, लेकिन बोलती नहीं हम जाएंगे, एक ही वाटरफॉल है इंजॉय कर लेते हैं। तो इसी के साथ आप देख रहे हो कितना मतलब सुंदर लग रहा है। अब पानी अभी इतना है, लेकिन बारिश के टाइम पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ना कैसे करके मैं पानी के बीच में भी गया, मतलब कि पानी इतना ठंडा था कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई। वो तो अच्छा था कि गहरा नहीं था, मुझे लगा था कि नीचे कहीं गहरा होगा, और मेरे को डर भी बहुत लग रहा था कि यहाँ पे कहीं सांप ना हो, कहीं क्रैब ना हो, लेकिन लोग जा रहे थे तो मैं भी चला गया। और काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे, नहाया मैंने अच्छे से, और ठंडा ठंडा पानी जब सर पर पड़ता है ना वो अलग ही मज़ा आता है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया, कम से कम एक घंटा हमने यहाँ पे रहे, एक घंटा यहाँ पे फुली इन्जॉय किया हमने। और पानी भी इतना साफ था, और मन तो कर रहा था कि ऊपर चले जाऊँ, बट काफ़ी स्लिपरी भी था तो मैं गया नहीं ऊपर। तो यहाँ पे हमने लोगों को हटाया कि भाई हमें अपनी वीडियो बनानी है, आप प्लीज़ हट जाओ। तो हमने यहाँ पे अपनी वीडियोस वगैरह ही बनाई है काफ़ी सारी, और मैंने पोस्ट भी किया है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे हमको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रियंका को मैंने बोला था, प्रियंका तू भी आ जा, वो आ नहीं रही थी, तो मैंने उसको कैसे ना कैसे फ़ोर्स किया आने के लिए, तो उसने उसको भी मन कर रहा था। लेकिन इसी बीच पर हमारे साथ एक और मेम्बर जुड़ गया, वो है किसी और का डॉग, तो वो भी यहाँ पर पानी में नहाने के लिए आया था, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, बहुत प्यारा था, ये भी कूद रहा था यहाँ पे, लेकिन की फैमिली सारी नहीं थी पानी के अंदर। तो इसी के साथ प्रियंका भी चली गई मेरे को देखते देखते, और इसने भी यहाँ काफ़ी मज़े करे, इसका भी मतलब मन पूरा हो गया पानी में जाने का, लेकिन डर बहुत रही थी। मैंने कहा कल ले, ये लाइफ का एक ही टाइम है इन्जॉय करने का, वाटरफॉल के मज़े लेने का। तो यहाँ पर इसने भी काफ़ी इन्जॉय किया, और इसी के साथ मैंने इसकी वीडियोज़ ही बनाई हैं काफ़ी सारी रील्स की, आप इनको ही फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो इनका है प्रियंका वर्मा 05 करके इंस्टाग्राम पे हैंडल है, तो इन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी सारी रील्स पोस्ट करी हैं गोवा की, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो बनाई, स्लो मोशन में काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और इतना सुंदर भी लग रहा है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ का सेशन पूरा कंप्लीट हुआ, हमने यहाँ पे अपना मस्त घूमे फिरे, अपना इंजॉय किया, नहा धो लिया। इसके बाद हम सीधा निकल पड़े थोड़ा सा स्कूटी राइड की ओर दोबारा, और यहाँ पे प्रियंका चला रही थी क्योंकि यहाँ पे पुलिस नहीं होती, तो मैंने इसको यहाँ दे दिया, और यहाँ पे ये आराम से इंजॉय कर रही थी स्कूटी राइड को लेते हुए। तो मैंने कहा ठीक है मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे इसने भी काफ़ी मज़े किए, और स्कूटी भी काफ़ी अच्छी चला रही थी, तो मेरे को एक ट्रस्ट भी था कि हाँ चला लेगी स्कूटी। तो मैंने इसकी यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोज़ ही बनाई, और मौसम भी इतना सुंदर हो रखा था देख के, आप देख सकते हो एक स्कूटी रोड और साइड में पूरा ग्रीनरी, यहाँ पे मतलब इतने सारे पेड़, मतलब इतना सुकून मिलता है ना, इसकी कोई हद नहीं। फिर इसी के बाद हम निकल पड़े अपना लंच करने के लिए, और लंच करने के लिए ये हमारा फेवरेट था यहाँ का ढाबा, जहाँ पे हम हमेशा खाना खाने आ रहे थे। और यहाँ पे इनकी बिल्लियाँ भी हैं जो मतलब हमेशा रहती हैं, 4-5 बिल्लियाँ इनकी, इनको खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। तो
तो उन्होंने यहाँ पे इनको खाना पीना खिलाते थे, इनको खाना पीना खिलाते हैं सुबह शाम दोपहर रात को। और प्रियंका ने यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बनाई, इसे गोद में आके बैठ गए, लिटरली गोद में आके बैठ गए, काफ़ी टाइम तक बैठी रही जब तक हमारा खाना नहीं आया। फिर यहाँ पे सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन जगह कम थी, तो इस चक्कर में ये सो भी नहीं पा रही थी। फिर जैसे इसको इतनी नींद आ रही थी ना गोद में, देखो एकदम सुकून। चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।